हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMIA पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अडानी पोर्ट्स के स्टॉक की, और आज इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी तेज़ी देखी जा रही है और इस स्टॉक में 5% से भी ज़्यादा जो है ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रही है। और ये जो स्टॉक है 802.05 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है ऑन 14 अक्टूबर एट 11:17 AM। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक में आज बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा रहा है। अब आगे इस स्टॉक में क्या टारगेट रह सकते हैं, क्या इस स्टॉक में तेजी आएगी, जहाँ इस स्टॉक में करेक्शन होगी और इसके टारगेट क्या होंगे, तो वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो आप एंड तक हमारे वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर रखें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस कंपनी के स्टॉक का डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं, इसके प्राइस का एनालिसिस कर लेते हैं। तो एक दिन में क्लियरली इस स्टॉक में आपको 5% से भी ज़्यादा है अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यदि इसकी पास्ट 5 डे की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है और ये जो स्टॉक है 8.58% से की भी ज़्यादा तेज़ी शो कर रहा है। तो क्लियरली पहले आप देख सकते हो इस स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रही थी, लेकिन 13 अक्टूबर के बाद इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया रैली और बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यदि इस स्टॉक में पास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे 6.31% के रिटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो स्टॉक है, पहले आप देख रहे हो कि कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था और इसका जो लोअर सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है दैट इज़ अराउंड 725। लेकिन आजकल ये जो स्टॉक है बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, बहुत ही ब्यूलिश पैटर्न में दिख रहा है और आने वाले टाइम में भी इसका ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। अब यदि इसकी पास्ट 6 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर भी 7.02% के रिटर्न आपको देखने को मिल रहेंगे और यहाँ पर भी बहुत ही रेंज बाउंड काम हो रहा है। पहले इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी भी बनी थी, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है वो 880 के राउंड निकल कर आ रहा है, जहाँ से इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी करेक्शन जो है वो देखने को मिली थी। इसका यदि लोअर सपोर्ट लेवल देखें तो आप क्लियरली देख सकते हो इसका जो लोअर सपोर्ट लेवल है दैट इज़ अराउंड 670 रुपीज़। तो फिर इस स्टॉक ने कंटिन्यूसली पॉजिटिव मोमेंटम भी शो किया हुआ है। अब इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव एंड ब्यूलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसलिए आने वाले टाइम में इसके टेक्निकल्स एंड मूविंग एवरेज बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं। यदि इसकी पास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर 130% के बढ़िया रिटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पहले इस स्टॉक में तेज़ी हुई है, फिर आप देख सकते हो इसमें कंसोलिडेशन भी रही है कुछ टाइम के लिए। ये जो स्टॉक है वो कंसोलिडेशन में जोन में ही रहा है, लेकिन अब फिर इस स्टॉक में जो है तेज़ी देखने को बन रही है। यदि इस स्टॉक में लॉन्ग ईयर का डाटा देखें, 5 ईयर का डाटा देखें तो यहाँ पे 215% के बढ़िया रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसकी जो चार्ट पैटर्न है ये भी बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही ब्यूलिश ट्रेंड जो है वो शो कर रहा है। अब हम इसका लॉन्ग टर्म का डाटा, मैक्सिमम डाटा भी चेक कर लेते हैं तो ऑल टाइम में ये जो स्टॉक है 332% के रिटर्न जो है वो बनाकर दे चुका है। और इसका जो चार्ट पैटर्न है इसमें भी आपको पॉजिटिव ट्रेंड ही देखने को मिलेगा, अप्स एंड डाउन जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो स्टॉक है ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड ही शो कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस स्टॉक की लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो डिफरेंट रिकमेंडेशंस आर देयर फॉर बाइंग द अडानी पोर्ट्स। तो जो मेन रिकमेंडेशन है दैट इज़ गिवन बाय द ICICI डायरेक्ट। तो ICICI डायरेक्ट इस स्टॉक पे बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही ब्यूलिश है एंड दे हैव गिवन ए बाई कॉल ऑन दिस स्टॉक। द टारगेट प्राइस गिवन ऑन दिस स्टॉक इज़ ₹875 बाई द ICICI डायरेक्ट। तो आप देख सकते हो ICICI डायरेक्ट इस पोर्ट कंपनी पे बहुत ही ब्यूलिश है, अडानी कंपनी पे बहुत ही ब्यूलिश है और इस पे बाई कॉल दे रहे हैं। यदि इसका टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड गिवन बाय द एनालिस्ट इज 3 मंथ्स व्हेन दिस स्टॉक कैन रीच द डिफाइंड टारगेट। तो आने वाले 3 मंथ्स में इस स्टॉक में बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है और ये जो स्टॉक है नए टारगेट को भी हिट कर सकता है। जैसे हमने आपको चार्ट में भी बताया है कि इसका जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो 870 से लेके 880 तक बन रहा है। तो ये इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है और इसका पहला टारगेट भी यही निकल कर आ रहा है, क्योंकि
क्योंकि आने वाले टाइम में यदि ये जो स्टॉक है इस लेवल को ब्रेक कर लेता है तो फिर इसमें और भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगी, अदरवाइज इसमें आपको बहुत ही कंसोलिडेशन मिलेगी और रेंज बाउंड काम ही देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के डिटेल चेक कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी है 1998 में शुरू हुई थी, ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप देखें तो इट इज़ नियरली ₹1,58,339 करोड़ एंड दिस कंपनी इज़ ऑपरेटिंग इन द मेनली शिपिंग सेक्टर। तो ये जो कंपनी है मेनली शिपिंग सेक्टर में काम करती है। यदि इसके की प्रोडक्ट्स एंड रेवेन्यू सेगमेंट्स देखें तो दैट इंक्लूड्स द इनकम फ्रॉम द पोर्ट सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग इनकम एंड अदर रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपोर्ट असेटिव फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो आप देख सकते हो ये जो कंपनी है मेनली पोर्ट्स को रन करती है और उसी से ही इस कंपनी का जो मेन है रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर चेक कर लेते हैं। फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन 30/6/2021 इस कंपनी की जो कंसोलिडेटेड टोटल इनकम थी दैट वाज ₹4,938 करोड़ एंड इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाई 21.27% फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर टोटल इनकम ऑफ ₹4,072 करोड़ नियरली एंड दिस इनकम हैज़ बीन इंक्रीज बाई नियरली 79.61% फ्रॉम द लास्ट ईयर सेम क्वार्टर टोटल इनकम ऑफ ₹2,749 करोड़। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस कंपनी की जो इनकम है बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रही है और इसमें बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इसकी क्वार्टरली इनकम बहुत ही बढ़िया ग्रोथ शो कर रही है। यदि इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक करें तो दैट इज़ नियरली ₹1,302 करोड़ इन द लेटेस्ट क्वार्टर। तो लेटेस्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने अच्छा मुनाफा भी कमाया हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट रैशनल जान लेते हैं कि इस कंपनी के हमें हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। द अडानी पोर्ट हैज़ बिन कंसोलिडेटेड बिटवीन द 650 एंड 800 लेवल्स फॉर द लास्ट 4 मंथ्स। जैसे कि हमने आपको पहले भी आपके चार्ट में एनालिसिस करके बताया है कि अब ये जो स्टॉक है कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था, 800 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो उधर उसका जो लोअर सपोर्ट लेवल है वो 650 पे बन रहा है जहाँ पे इसने सपोर्ट लेके पॉजिटिव ट्रेंड शो किया था। तो इसी कंसोलिडेशन रेंज में ये जो स्टॉक था वो ट्रेड कर रहा था। हाउएवर दिस टाइम सिग्निफिकेंट डिलीवरी वॉल्यूम्स वर सीन व्हेन इट वाज रिकवरिंग फ्रॉम द लोअर सपोर्ट। तो अब इस कंपनी ने लोअर सपोर्ट से बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड शो किया हुआ है और इसका जो डिलीवरी वॉल्यूम का डाटा है ये वो भी बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है। इसीलिए ब्रोकरेज इस पर बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही ब्यूलिश है एंड दे बिलीव्स बाइंग इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग इन द स्टॉक। तो अब इस स्टॉक में आपको आने वाले टाइम में बढ़िया मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। अब यदि इस स्टॉक में जो स्टेक होल्डिंग चेक करें तो जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 63.79% स्टेक है एज ऑन जून 30, 2021। FIIs के पास 15.72% स्टेक है और DIIs का डाटा देखें तो 14.184% का स्टेक निकल कर आ रहा है। बहुत ही मिक्स पैटर्न निकल कर आ रहा है। जो रेस्ट स्टेक है दैट इज़ विद द पब्लिक। तो ये जो स्टॉक है बहुत ही बढ़िया पैटर्न शो कर रहा है। अब इसकी हम लॉन्ग टर्म की ग्रोथ हिस्ट्री भी एक बार चेक कर लेते हैं और वॉल्यूम का डाटा भी ब्रीफली चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है इसमें जो वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है, तो इसीलिए इस कंपनी में आपको ग्रोथ भी जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि यदि किसी कंपनी की डिमांड बढ़ जाती है, किसी स्टॉक की डिमांड बढ़ जाती है, तो उस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। इस पहले सबसे हम इस कंपनी के प्राइस का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 वीक से लेकर 3 ईयर का डाटा है। बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे निकल कर आ रही है। 1 वीक में 9.33% है, 1 मंथ में 6.50% है, 3 मंथ में 15.38% के रिटर्न्स है, ईयर टिल डेट में 66% के राउंड रिटर्न्स है, 1 ईयर में 130% के हैं एंड 3 ईयर में 149% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते जा रहे हो वैसे वैसे ही आपके जो रिटर्न्स हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। अब यदि इस कंपनी के हम डिलीवरी का डाटा देखें तो कल के दिन इस स्टॉक में जो क्वांटिटी ट्रेडेड थी दैट वाज 95 लाख एंड डिलीवरी इज 26 लाख। तो आप देख सकते हो 26% के अराउंड डिलीवरी उठाई गई है। 1 वीक का एवरेज डाटा देखें तो 29% के अराउंड डिलीवरी है। 1 मंथ का एवरेज डाटा देखें तो 27% के अराउंड डिलीवरी इस स्टॉक में उठाई गई है। बहुत ही पॉजिटिव डाटा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी की एक बार ब्रीफ में फाइनेंशियल ग्रोथ चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू का डाटा देख लेते हैं। लास्ट 5 ईयर का रेवेन्यू का डाटा जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है।
2017 में जिसका रेवेन्यू था दैट वाज 8439 करोड़, एंड 21 में ये बढ़ के 12549 करोड़ हो गया है। बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यदि नेट प्रॉफिट का डाटा चेक करें तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ट्रेंड ही देखने को मिलेगा ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। 17 में इसका नेट प्रॉफिट 3892 करोड़ था, और 21 में आप देख सकते हो इसका जो नेट प्रॉफिट है बढ़ के 5063 करोड़ हो गया है। यहाँ पे भी पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने को मिल जाएगा। यदि इसका क्वार्टरली डाटा देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्लियरली जून 20 से लेके जून 21 तक इसका जो रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। और यदि इसका नेट प्रॉफिट का डाटा देखें तो वो भी का ग्रोथ शो कर रहा है फ्रॉम जून 20 टू जून 21। तो इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही साउंड निकल कर आ रहे हैं। इसलिए आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक है आपको पॉजिटिव मोमेंटम शो कर सकता है, अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। इस तरह के स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, तो ही आपको अच्छे रिटर्न जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। सो थैंक्स अगेन, वी विल मीट यू विद ए न्यू वीडियो एंड न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया।